भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हम क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हर पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है, वो अपने आप को पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित करती रहती है। ये ताकत भाषा की होती है और इसलिए भाषा चैतन्य होती है। हमारा ये निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हमारी भाषा समृद्ध कैसे बने। समय समय पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए और यह अविरत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी।